हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइडियल सिटी एकेडमी। और मैं हूं बलराम तिवारी। मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट टू। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का। कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कशन किया था कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का, और आज हम डिस्कशन करेंगे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का और साथ ही साथ वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का। सो लेट्स सी। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, इससे मैंने आपको गुडविल बताई थी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आज हम डिस्कशन करेंगे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे गुडविल हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस क्या कर देंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और मैंने याद करिए, आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने आपको फार्मूला बताया था कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस निकालने का, कि टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी पता चल जाएगी कि कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। सो दिस इज द टू फार्मूला, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसी पे बेस एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंस इन अ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019। वरुण कैपिटल अकाउंट बैलेंस ₹5 लाख, कुबेर कैपिटल अकाउंट बैलेंस ₹3,50,000, वरुण करेंट अकाउंट बैलेंस 80,000 एंड कुबेर करेंट अकाउंट बैलेंस 20,000 इन अ डेट। पहले आप लोग एक फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स सी। सबसे पहले वी फाइंड आउट द कैपिटल इंप्लॉयड। सबसे पहले हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे, यानी कि वरुण एंड कुबेर ने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है या कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड में क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट
प्लस व्हाट जर्नलिज्म। क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दे रखी हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट दे रखा है एंड जर्नलिज्म दे रखा है। तो हम तीनों चीजों को ऐड कर लेंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट को ऐड कर लेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस ऐड कर लेंगे एंड जर्नलिज्म, दैट इज अवर अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्लस जनरल रिजर्व, कैपिटल ऑफ वरुण रुपीज 5 लाख, कैपिटल ऑफ कुबेर रुपीज 3,50,000, करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ वरुण रुपीज 80,000, करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ कुबेर रुपीज 20,000 इन डेबिट। कि देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि कुबेर का करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 20,000 रुपीज है, बट दैट इज द डेबिट बैलेंस। आप जानते हैं कि डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमारा लॉस हमें बताता है। तो रुपीज 20,000 माइनस कर देंगे, प्लस जनरल रिजर्व रुपीज 50,000 एड कर लेते हैं, 5,38,00,000 rupees 9,60,000, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ वरुण एंड कुबेर। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द कैपिटल कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम निकाल लेते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी होगी। उसके लिए सबसे पहले चीज हमें एवरेज प्रॉफिट की नीड होगी। देखिए फर्म का प्रॉफिट दे रखा है प्रीवियस ईयर्स का, एवरेज प्रॉफिट रुपीज 60,000, इन ईयर 2016 देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 40,000, इन ईयर 2017 प्रॉफिट इज 1,30,000, इन ईयर 2018 प्रॉफिट इज रुपीज 2 लाख, एंड ईयर 2019 प्रॉफिट इज रुपीज 2,50,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ऐड कर लीजिए, 1,02,00,03,02,5,00,5,50,000, 3,5,80,000, 5,80,000 में 60 ऐड करेंगे, 6,40,000 माइनस 40,000 इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1,20,000 रुपीज। दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10%। निकाल लीजिए कैपिटलाइज वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, रुपीज 12,00,000। देखिए हमें दो चीजें पता चल गई। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रीवियस लेक्चर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इंप्लाइड और कैपिटल इन्वेस्टेड। अब देखिए हमें दो पता चल गई, दो चीजें पता चल गई। पहली चीज हमें क्या पता चल गई कि कैपिटल इंप्लाइड हमारा 9,60,000 रुपीज है, और जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमारी कितनी है वो रुपीज 12,00,000 है। अब हम बहुत इजीली से कैपिटल वैल्यू में से कैपिटल इंप्लाइड माइनस कर देंगे
तो हमारा जो है गुडविल का अमाउंट निकल आएगा कि गुडविल हमारी कितनी है। सो गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस हो जाएगा हमारा कैपिटल इंप्लॉयड। सॉल्व कर लेते हैं, रुपीज 12 लाख माइनस 9,60,000 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रुपीज 2,40,000 दैट इज अवर आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन आपको, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट हमें डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया कि क्या होगा कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से, पहले हम क्या निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उसमें से हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने लगाया कैपिटल इंप्लॉयड बिजनेस में, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वरुण एंड कुबेर ने कितनी कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ वरुण 5 लाख, कुबेर 3,50,000, करेंट अकाउंट बैलेंस वरुण का 80,000 एंड कुबेर का करेंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव है तो -20,000। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 50,000। या अब एक क्वेश्चन और होता है कि हमने जनरल रिजर्व क्यों जोड़ा, तो आप लोग जानते हैं कि जनरल रिजर्व वो पार्ट होता है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है जिसको हम नियर फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस से मीट करने के लिए बचा के रखते हैं। तो डेट्स वाई जनरल रिजर्व इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। एंड आप जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ही ऐड किया जाता है, याद करिए क्लास 11 में जब हम लोगों ने आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था तो वहां पे कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ लिया जाता था। तो सो जनरल रिजर्व प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है, सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल, इसलिए हमने 50,000 रुपीज जनरल रिजर्व भी ऐड कर दिया। टोटल कैपिटल इंप्लाइड 9,60,000 रुपीज निकल आई। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट रुपीज 60,000, देन लॉस टोटल आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स क्या 90 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की अगर 10% के रेट आपसे 1,20,000 हो गया तो 100% ओवरऑल कैपिटल वैल्यू जितनी होगी वो कितनी हो जाएगी रुपीज 12,00,000। सेम हमने फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल वैल्यू कितनी निकल आई 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 10 12,00,000 रुपीज एंड गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि रुपीज 12,00,000 माइनस 9,60,000 इक्वल टू 2,040,000 रुपीज दैट इज द आंसर। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा जो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात करते हैं कि हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए अब बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ये प्रॉफिट वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज मच बेटर देन द एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से सही अच्छा होता है। इस प्रॉफिट का हम यूज तब करते हैं
जब हमारा प्रॉफिट जो है ट्रेंड शो करता है, यानी कि एक ट्रेंड हमारा प्रॉफिट बता रहा हो, जैसे कि लगातार लास्ट 4 या 5 ईयर से हमारा जो है कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है और लगातार प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है, तब ऐसी जगह पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना कहीं ज्यादा मच बेटर होता है। यानी कि जब हमारे प्रॉफिट या हमारे जो डेटा है वो एक ट्रेंड शो करे, तब हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। इन दिस मेथड जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसको हम एक वेटेज देंगे और दैट वेटेज इज द मैक्सिमम नंबर, और जो सबसे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा या जो सबसे पहले का प्रॉफिट होगा उसको जो सबसे जो उसको जो वेटेज दिया जाएगा वो सबसे कम वेटेज दिया जाएगा। इस तरीके से वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेज। अब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेज। अब जो है इसी प्रॉफिट इसी फॉर्मूले से हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए लेट्स सी आर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। Year in 31st March 2011 profit is rupees 43,000. In 2012 profit is rupees 50,000. In 2013 profit is 52,000. In 2014 profit is rupees 65,000. And in 2015 profit is rupees 85,000. Yani last 5 year के हमें profit दिए हैं। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of the 2 year of purchase. हमें 2 ईयर ऑफ परचेज के हिसाब से गुडविल निकालनी है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट द वे टू बी यूज आर इन 2011 1, 2012 2, 2013 3, 2014 4 एंड 2015 5। लेट्स सी वेटेज गुडविल इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स सी अब देखते हैं। देखिए प्रॉफिट हमारे दे रखे हैं, एक हम टेबल बनाएंगे ईयर टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन। प्रॉफिट रुपीज 43,000 50,000 52,000 65,000 एंड रुपीज 85,000। अब देखिए वेट हमारा दिया है
मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लेटेस्ट होता है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, जो सबसे प्रीवियस का होता है या सबसे लास्ट होता है उसको सबसे कम वेट दिया जाता है। तो आपका देखिए लेटेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 and 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 43 into 1, 43, 50,000 into 2 rupees मिल रहा है, 52,000 into 3 1,56,000 rupees, 65,000 into 4 रुपीज 2,60,000, 4,25,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट 4 to 6, 6 1 7, 7 1 8 lakh एड कर लेते हैं, 6 5 11 31 रुपीज 9,84,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट वेटेज का 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 14, 14, 1, 15 लगा देंगे फॉर्मूला। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेटेज। Let's see, rupees 9,84,000 divided by 15, 15 6 are 90, remaining get 84, ₹65,600। ये हमारा आ गया, दैट इज द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल आया ₹65,600। अब हमें गुडविल निकालनी है, गुडविल हम निकाल लेते हैं, गुडविल बराबर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट 65,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर 2, वन लाख 31,200 दैट इज द गुडविल आंसर। दिस इज द न्यूमेरिकल फ्रॉम द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हमें क्वेश्चन में वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेज, गुडविल इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 65,600 इंटू 2 इक्वल टू गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,31,200। मैंने आपको बताया कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड आउट कब करते हैं,
ऐसी कोई कंडीशन जहां प्रॉफिट हमारा एक ट्रेंड शो करता है, जैसे सपोज डेट पिछले 3 या 4 साल से हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा हो, या पिछले 4 या 5 साल से हमें कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन की जहां हमारा प्रॉफिट कोई ट्रेंड शो करे, दैट इज द तब हम वहां पे जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बिहाफ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। और याद रखिए ये क्वेश्चन जो है एक बार सीपीटी में सीए के एग्जाम में भी जो है पूछा जा चुका है इन द ईयर ऑफ 2018 में कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट का यूज कहां पे किया जाता है। तो ये हमें जानना भी जरूरी है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट का यूज कहां और किस कंडीशन में किया जाता है, एंड दिस इज द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट, यहीं पे हमारा टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल बोथ बुक से होंगे, और इसीलिए कह रहा हूँ आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट और टफ से टफ न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम ही नहीं सीएओ सीपीटी से भी एग्जाम से भी रिलेटेड रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और जाके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो का अपडेट भी आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।